माथे पे बाबा का चंदन लगते ही सारा सच का दर्द खत्म हो गया हम लोगों का। हमारा सफर स्टार्ट हुआ एक ऑटो से, जहां से हम लोगों को जाना था हरिद्वार। हरिद्वार जाने के लिए हमारी ट्रेन की टिकट पहले से ही बुक थी, और दिल्ली से हरिद्वार की जो हमारा डिस्टेंस है वो करीब 245 किलोमीटर का है। ट्रेन की टिकट की बात करें तो करीब 180 रुपए की हमें पर पर्सन की टिकट पड़ी थी, और करीब 5 घंटे लगे हम लोगों को दिल्ली से हरिद्वार पहुँचने में। हमारी ट्रेन चली थी दिल्ली से 4 बजे, तो हम लोग 9:30 बजे तक हरिद्वार पहुंच चुके थे, और काफ़ी ज़्यादा थकने के बाद हम लोगों ने रूम लेना सही समझा। ऑलराइट गाइस, सो गाइस अभी रात के करीब 8-9 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी पे। ये हमने रूम लिया था जो कि एक एसी रूम है, आपको प्राइस बताता हूँ उसके। ये हमें 2 रूम मिले हैं, ऐसे दिखा देता हूँ प्रॉपर, कुछ ऐसा बेड है और ये एसी लग रहा है अपना, टीवी है, एक फैन है। लोगों को ये 2 रूम पड़ गए हैं 1900 रुपये के, और वो भी एसी वाले, और वो भी इस सीज़न में। सो ये मैंने आपको बताना समझा तो मैंने बता दिया। अब हम चल रहे हैं हर की पौड़ी पे, बिकॉज हम लोग रात बहुत ज़्यादा हो गया और हम सोच रहे हैं नहा लेते हैं, बिकॉज सुबह से हम लोग निकले हैं ट्रैवल के लिए और हम लोग को रेस्ट नहीं मिल पाया, सो जल्दी से चल लेते हैं। उसके बाद पहुँचे हम लोग हरिद्वार हर की पौड़ी पे, जहाँ पर कहते हैं लोग कि जो लोग भी जितने भी पाप करते हैं वो लोग नहा लें तो उनके पाप मिट जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने गंगा मैया में डुबकी लगाने की सोची, और यहाँ पर नहाने के बाद का इसमें सच में बता रहा हूँ आप लोगों को, सब चीज़ों से आप लोग मुक्त हो जाते हो, इतना आपको अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। सो गाइस फाइनली स्नान हो चुका है और अभी हम लोग चल रहे हैं अपने रूम में, बिकॉज हमें 5 बजे केदारनाथ के लिए निकलना है। सो चलो, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए चलना, और भी आके आगे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता रहूँगा। सो चलो चलते हैं एंड देखते हैं। सो गाइस करीब हम लोग निकले थे यहाँ से 5:30 बजे, और 1.5 से 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं पर 3 धारा, और यहाँ से करीब 150 किलोमीटर रहेगा हमारा केदारनाथ। और व्यू चेक करो यार, एक बार आप देख रहे हो भाई साहब क्या व्यू है यार, मतलब चारों तरफ कोहरे कोहरा हो रहा है भाई इधर की साइड, और इधर हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हुए। सो बेसिकली क्या है ना, आगे कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं, जब केदारनाथ आप आते हो तो आगे स्टॉल नहीं मिलते आप लोगों को खाने के लिए, तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ से काम चलाना पड़ेगा हम लोगों को। तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं यार और चलते हैं। सो गाइस फाइनली नाश्ता ओवर हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं अभी केदारनाथ की तरफ, और अभी आपको ना एक गंगा जी का एक संगम दिखाऊंगा, बहुत प्यारी चीज़ है। सो चलिए जल्दी से वहीं से चल रहे हैं और देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। सो गाइस एक खूबसूरत सा नज़ारा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का, और ये संगम देखकर आप लोग खुद भी कहोगे भगवान क्या क्या करिश्मा, क्या करिश्मा है यार। नदी आपस में मिलता है, संगम दिखाता हूँ आप लोगों को, देख सकते हो गाइस क्या खूबसूरत नजारा है यार। और भाई केदारखंड की पहली बारिश पड़ती हुई। सो गाइस अभी लोग हैं हम लोग सोनप्रयाग में, और यहाँ पर हम लोग नाइट स्टे करने वाले हैं, बिकॉज क्या है ना हम लोगों को मॉर्निंग में केदारनाथ के निकलना है। सो चलो मॉर्निंग तक का वेट करते हैं, निकलते हैं। गौरीकुंड में हम लोग ना लॉकर पता कर रहे हैं कि लॉकर मिल जाए ताकि हम लोग अपने सारे बैग रख दें, और क्या है यहाँ से गौरीकुंड जाने के लिए आपको ट्रैवल मिल जाएंगे, उसी ट्रैवल का वेट कर रहे हैं हम लोग, जो कि आपका 20-30 रुपये या 50 रुपये लेगा, जो भी हो आपको दिखा दूंगा मैं, तो उसी के लिए चल रहे हैं रास्ते में। जो अपनी पर्सनल गाड़ी लेने वाले चाहोगे वो यहाँ नीचे लगेगी। हाँ देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, पर्सनल गाड़ी जिनकी भी होगी ना सारी गाड़ी यहाँ पार्क होती है, इसके आगे कोई भी पर्सनल गाड़ी नहीं जाएगी। अगर आपको हाँ अगर कहीं भी जाना होगा ना आपको, तो आप लोगों को इनका अपना लेना पड़ेगा व्हीकल, बिकॉज ये लोग अलाउ नहीं करते पर्सनल गाड़ी को ऊपर ले जाना। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं आगे कुछ भी मिलता है तो। सो गाइस अब हमें पहुंचना था सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जिसका डिस्टेंस था करीब 8 किलोमीटर का, और वहां से जाने के लिए सोनप्रयाग पर काफ़ी सारी टैक्सीज पहले से ही खड़ी रहती हैं, जिसको आप लोग पर पर्सन 50 रुपये दे के बुक करा सकते हैं,
और करीब 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को लगेगा यहाँ पर पहुँचने में। सो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, क्राउड का अंदाजा ना आप इसी चीज़ से लगा सकते हो। ये देखो जो दिख रहा है ना, ये सारी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, नीचे भी देखो वहाँ लगी हुई है, कम से कम 2-3 हज़ार गाड़ियाँ, तो क्राउड सोचो कम से कम कितना होगा, 30-40 हज़ार क्राउड है ऊपर अभी। सो ये भी दिखाया था आप लोगों को ताकि आप लोग अंदाजा लगा सको कि क्राउड कितना होगा यहाँ पे। भाई घोड़े देखो भाई, क्या क्राउड है भाई, घोड़े देख रहे हो, ये है केदारनाथ काल, घोड़े हैं भाई, ये घोड़े हैं, घोड़े हैं चाचा, घोड़े हैं, घोड़े भी हैं, खच्चर भी है, मिक्स है, मिक्स ब्रीड है। चलो भाई, सो भाई ये देखो केदारनाथ की भीड़, ये सारी टैक्सी के बंदे खड़े हैं, जो भी टैक्सी में जाएगा आगे के लिए, पैदल यात्रा और हम लोग कर रहे हैं पैदल यात्रा। सो भाई देखो दो रास्ते हैं, इधर से सब गाड़ी जाने वाले का और इधर से पैदल। सो भाई देखो ये ट्रैक तो हमने भी कंप्लीट किया है, और व्यू देखो बाबा का, ये पूरा सीधा रास्ता जो हमें ट्रैक करना है अभी। सो ये बोर्ड पे लिखा है मुनकुटिया गौरीकुंड श्री केदारनाथ पैदल यात्रा, यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। अब टैक्सी ना मिलने की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग यात्रा करेंगे गौरीकुंड के लिए पैदल, जो कि 7 से 8 किलोमीटर थी। सो इतने खूबसूरत वादियाँ थी, इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ हम लोग निकल पड़े गौरीकुंड के लिए पैदल। यो स्टार्ट हो चुका है पैदल हम यात्रा यहाँ से। अनावश्यक रूप से कोई भी यहाँ पे बैरियर के साथ खड़े होकर फोटो लेके जाए, चलते रहिए, आने जाने का रास्ता है। जय बोलेगी। तो आप देख सकते हो ये है गौरीकुंड, जिसमें आपका गरम गरम पानी रहता है, और देखो काफ़ी ज़्यादा लोग नहा रहे हैं। हम लोग जब नहाएंगे आते हुए नहाएंगे, बिकॉज अभी क्या है ना हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो हम लोग ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं। बाकी देख सकते हो यार भाप कितने ऊपर तक उठ रही है, और अरे घोड़ा भी रख गया हमारे साइड हो जाओ, उतार देते कौन साइड हो जाओ। सो गाइस देख सकते हो यार ये भी चीज़ें हमारे बाबा के दरबार से पहले होंगी। ओ भाई जब हमारी हमने सांसें तोड़ रखी हैं भाई। सो भाई थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं अभी लोग, फिर लोग हम बैठ गए यहाँ पे और खाते हैं थोड़ा बहुत खीरा वीरा खाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग, बिकॉज अभी क्या है ऊपर क्या है ना बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, अगर वो हम लोग करते हैं उसके लिए एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, इसके लिए हम लोग खीरे खा रहे हैं अभी। खीरे खाने बाद चलते हैं, 12 किलोमीटर रह गया अभी, तो भाई बहुत सांस फूल रही है, बट कोई नहीं रुकते थोड़ा और चलते हैं, मौसम तो थोड़ा ठंडा हो गया अभी, चलो चलते हैं एंड देखते हैं। तो गाइस पूरा झरना बह रहा है यहाँ से, और यहाँ से करीब अभी 13 किलोमीटर रह गया है, 13 है ना चाचा, 13 किलोमीटर की ओर चढ़ाई है, उसके बाद बाबा का दरबार हमारी आंखों के सामने होगा। चलो चलते हैं। 10% एक बार में 10 लोग बोल रखे हैं, देखो कितने लोग खड़े हैं। चलो भाई यहाँ पे मत खड़े हो, आ जाओ। सुबह केदारनाथ यहाँ से रह गया करीब 7 किलोमीटर, और ठंड बढ़ चुकी है भाई,
देखो खड़ी चढ़ाई दिखाता हूँ तुम लोगों को यार, बहुत खड़ी चढ़ाई है। देखो तो ये रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता, ये वाला घोड़े चढ़ रहे हैं भाई, खड़ी चढ़ाई है पूरी पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई। अरे देखो कुछ ही हाल हो रखा हमारा, और कुछ नहीं, 2-3 घंटे और लगेंगे उसके बाद हम मिलेंगे केदारनाथ आप लोगों को। बाकी ठंड बहुत हो गई यार, व्यू देखो, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इतनी भीड़ में भी इतनी ठंड लग रही है। सोचो अगर हम लोग नहीं चढ़े, अगर बैठ जाने एक जगह भाई, बहुत गहरी ठंड है, तो कुछ मज़ा आ जाएगा। बाकी धीरे धीरे रुक के चल रहे हैं यार, रुक रुक के थोड़ा स्टैमिना बढ़ा के चलना पड़ेगा यहाँ पे, कंटिन्यू कोई भी नहीं चल सकता, स्टैमिना बढ़ा के चलना ही पड़ेगा यहाँ पर आप लोगों को। बाकी चलते हैं यार आगे, कोशिश तो पूरी रहेगी कवर कर ले 2 घंटे में। भाई केदारनाथ की पहली बर्फ तो देखो, पर तक ये सारी बर्फ़ की चादर है क्योंकि बर्फ़ में जम चुकी है, और बस और क्या, सब थक चुके हैं हमारे ग्रुप के बंदे। सो गाइस बस कुछ ही मिनटों का समय और देख सकते हो हम लोग कहाँ बादलों में, देख रहे हो भाई वो चल रहे हैं, दिख भी नहीं रहे वो लोग, और ऊपर जाना दिख नहीं रहा। सो गाइस ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और देख रहे हो चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। ये चढ़ाई हमारे केदारनाथ बाबा की, देखो चारों तरफ कोहरा और ठंड भाई। चलो भाई चारों तरफ भाई बादल ही बादल है, चलो चलते हैं आगे, आगे का रास्ता दिखाता हूँ। देखो ये हमने शॉर्टकट पकड़ा है एक, चलो ये देखो शॉर्टकट। सो गाइस कुछ ही मिनटों में हम पहुँच जाएंगे, कुछ ही मिनटों में, मुश्किल में 20 मिनट, ये 30 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट आ गए अब तो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ करते हो, चलो बस देख लो बर्फ, सारी बर्फ है, सारी बर्फ है, देखो आइए सर आइए, सारी बर्फ है, कीचड़ देख रहे हो भाई, बर्फ पिघलने के कारण है। हाँ ये बर्फ पिघल गया, देख के भैया देख के, घोड़ों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है सनी भाई, तो प्रॉब्लम है बाकी, और देखो भाई बर्फ देख रहे हो, ये देखो सारी बर्फ है, ये देखो भाई डंडों से कर रहे हैं सारी बर्फ है, डंडों से मार मार के। तो देखो बाबा के दरबार कुछ ही मिनटों में हम पहुंच जाएंगे, हर हर महादेव करते हुए, और चलो भाई चलो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे बाबा केदारनाथ के दर पर। यहां पर पहुंचने के बाद आपके बॉडी की सारी थकान आपकी दूर हो जाएंगी, मानो कि आप लोगों ने इतना लंबा ट्रैक कराया ही ना हो। यहां पर कुछ तो है जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा भी नहीं सकता, आपको बोल के चेता भी नहीं सकता, आप खुद आओ, खुद देखो, खुद फील करो, बिकॉज यहाँ पर कुछ तो है जो कि लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा के दर्शन हो गए और ये बैक साइड दिखा दो बाबा के दर्शन,
ये बैक साइड से हम आया और क्राउड देखो, भक्त देखो बाबा के, भीमशिला उधर चल रहे हैं अभी हम लोग। माथे में बाबा का चंदन लगते ही सारा सच का दर्द खत्म हो गया हम लोगों का। बाबा केदारनाथ के सामने से दर्शन। ये नंदी महाराज, ये नंदी महाराज है। So guys, देख सकते हो मेरे पीछे भीमशिला पत्थर है जिसने बाबा की जो बाढ़ आई थी उसमें मंदिर बचाया था। और देख सकते हो आप, ये देखो बाबा की शक्ति है। और आज जब से जब ये हुआ है 2013 में, उसके बाद से ही भीमशिला को पूजा जा रहा है और इस पत्थर का नाम भीमशिला रखा गया था, आपको पता होगा। बाकी आप लोगों को दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बाबा के धाम से कपाट बंद हो चुके हैं। और बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको दिखती रहे। बाकी हर हर महादेव।